हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डैग। डैग क्या होता है? डैग स्टैंड्स फॉर अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स ट्री एंड डैग क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें आई इक्वल्स टू आई प्लस सेवन, इसका मैं यहाँ पे सिंटैक्स ट्री निकालूंगा। तो इफ आई राइट अ सिंटैक्स ट्री, आई प्लस सेवन इज इक्वल्स टू आई। वॉट यू कैन सी हियर, यहाँ पे आई जितने टाइम रिपीट हुआ है उतने टाइम वो नोड्स भी रिपीट हुए। इट मीन्स सिंटैक्स ट्री में अगर आपका एक्सप्रेशन रिपीट होता है तो उतने टाइम आपका नोड भी रिपीट होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मेमोरी वी यूज अ डैग। द फुल फॉर्म ऑफ डैग इज अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन नोड है जो दो बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम एक नोड से रिप्लेस कर देंगे। सो इसका आई इक्वल्स टू आई प्लस सेवन, हम लोग इसका डैग कैसे निकालेंगे। इफ आई राइट हियर आई प्लस सेवन इज इक्वल्स टू, हियर आई कनेक्ट अगेन आई। सो आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आई हमारा दो बार आया हुआ है, यहाँ पे कितने बार आया हमारा आई, ओनली वन टाइम आया हुआ है। ये हो गया हमारा डैग। इसने मेमोरी क्या कर दी, यहाँ पे मेमोरी हमारी कम हो गई। यहाँ पे टेक वन अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया y plus x divided by x minus z into x minus z। So, सबसे पहले मैं starting from left to right हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे y plus x, so y plus x ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया। नेक्स्ट प्लस दिस वन प्लस इज अगेन y, तो ये y हमारे पास है तो ये y को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट x minus z into x minus z, तो यहाँ पे मेरे पास x already दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे x minus z। जब ये itself plus होता है, तो हमें like this करना है, star, star है यहाँ पे, this one is a star, star this one। जब कोई भी चीज itself होती है, तो आपको like this करना है, x minus z into x minus z। तो ये हमारा expression यहाँ पे खत्म होता है, ये वाला expression यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये दोनों के बीच में हमारे पास यहाँ पे दिया है स्लैश, तो हम लोग यहाँ पे ये स्लैश ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डैग। नेक्स्ट दिस बेसिक ब्लॉक, इसको ब्लॉक बोला जाता है, तो हमें ये बेसिक ब्लॉक का डैग निकालना है। तो इसका कैसे निकाला जाएगा, b इक्वल्स टू a ऑफ i, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा a ऑफ i व्हाट इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, सो इट्स अ b equals to, जो equals to आपको ऊपर लिखना है यहाँ पे। Then again a of j equals to d, तो ये a हमारे पास common है, so a of यहाँ पे हो गया आपका j, what equals to d equals to, then e equals to a of i, तो a of i हमारा already हो चुका था, so comma हम करके यहाँ पे लिख देंगे e लिख देंगे। So ये हमारे कुछ example हो गए tag। We take another one example, just a minute, just rub it. I have one example, minus b star a plus c plus a plus c star d. As you can see here, there is a one minus b. So minus b, it means it is a unary minus. There are two types of main operator, unary and binary. Binary means you know that there are two operands are there. And when there is only one operand, it is a unary. So, हम लोग सबसे पहले अपन निकालेंगे a plus c. So, a plus, we'll say plus c star. ये क्या हो गया आपका unary minus. तो unary minus ऐसे लिखा जाता है u minus this one b, जो भी है b लिख दिया हमने यहाँ पे. So, ये वाला expression हमारा यहाँ पे खत्म हो गया. Again a plus c star d. तो a plus c, this one again I will say here star d. So ये दोनों के बीच में ये वाला expression यहाँ पे हमारा खत्म हो गया. ये दोनों के बीच में हमें क्या दिया है, यहाँ पे plus दिया हुआ है. So हम लोग यहाँ पे लेंगे plus, तो ये हो गया आपका plus. Like this you have to solve the DAG. Okay? Thank you.